क्या रे, इतनी रात को क्या चाहिए तुझे? मोदी काका, ओ मोदी काका, मुझे थोड़ा भुजिया दीजिए ना प्लीज। कितना दूं? बस मेरे खाने जितना। पैसा तो लेके आया है ना? पैसे तो नहीं है। बिना पैसा लिए मूढ़ी खरीदने चला आया? बड़ा अजीब लड़का है तू। जा जा जाके पैसा लेके आ घर से। सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया मोदी काका। मैं क्या करूँ? पैसे दे और मुड़ी ले, बात आगे ना बढ़ाकर चल जाए यहाँ से, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो फिर पेट भरकर पानी पी ले तू, समझा? भूख मिट जाएगी तेरी, चल जा, दुकान बंद करूंगा मैं। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है माँ, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। इतनी रात को कौन रो रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मैं तो कोई बच्चा है, इसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है। पर इधर मुझे भी तो भूख लगी है, इस बच्चे को खाकर भूख मिटानी पड़ेगी। भूख लगी है, मेरे पेट में भी दर्द है। क्या रे बच्चे, भूख लगी है इसलिए रो रहा है? चलो तुम्हें खिला कर लाता हूँ। आप मुझे खाना देंगे? हाँ रे बच्चे, दूंगा। तो फिर दीजिए। अरे पर यहाँ तो मेरे पास खाना नहीं है बेटा। अगर तू मेरे साथ जाने को तैयार हो जाए तो तुझे बहुत सारा खाना खाने को मिलेगा। मैं तैयार हूँ। तो फिर चल। आप मुझे यहाँ शमशान में क्यों लाए हैं? क्योंकि मैं तुझे खाऊंगा। क्या? अरे बाप रे, भूत, ये तो भूत है। सिर्फ भूत नहीं, मैं एक शैतान भूत हूँ। तुझे फुसला कर यहाँ लाने के लिए मैंने मनुष्य का रूप धरा था। बचाना ही पड़ेगा मुझे। शैतान, उस बच्चे को छोड़ दे कहाना। अच्छा, मामा के धन है, मेरा शिकार है, मैं इसे खाऊंगा। चुपचाप छोड़ दे, नहीं तो अभी मजा चखा दूंगी। पहचानता है ना तू मुझे? क्यों रे, छोड़ेगा उसे कि तेरा सर फोड़ दूं? जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। और इसके बाद कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा करते देखा ना तो फिर मेरे हाथों वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। जा, भाग जा यहाँ से। मुझे मत मारो। इस बच्चे को देखकर मेरा दिल ऐसे क्यों घबराने लगा? शांत हो जाओ बच्ची, चुड़ैल होकर भी मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगी। सच कह रही हो तुम? सच, बिल्कुल सच, तीन बार सच। अब जरा तू ये बता, इतनी रात को तू शमशान में क्यों आया था? मैं खुद नहीं आया था, वो बदमाश भूत मुझे धोखे से लाया। उसने कहा मुझे खाना देगा। तो इसका मतलब तुझे भूख लगी है? हाँ, सच कह रहा हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लगी है। क्यों रे, तेरे माँ बाप ने तुझे खाना नहीं दिया? मेरे तो माँ बाप नहीं है। क्या कहा, माँ बाप नहीं है? तो फिर तेरा अपना कहने को कौन है? काका और काकी, पर वो लोग अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। मुझसे बहुत काम करवाते हैं, पेट भर के खाना भी नहीं देते हैं। आपको पता है
कल मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, इसलिए घर का काम नहीं कर पाया मैं, तो उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया और मुझे मारा, मैं घर से भाग गया। इतने निष्ठुर है तेरे काका काकी? नहीं, अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, कभी घर नहीं जाऊंगा। तेरा घर कहाँ है? पलाशपुर। पलाशपुर? पलाशपुर में कौन से घर का? घोष जी के यहाँ। तेरे पिता का क्या नाम है? राजू घोष। हाय रे, फिर तो ये, चल चल तुझे तेरे घर पहुँचा कर आती हूँ। नहीं नहीं, मैंने, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा घर, घर जाते ही काका काकी मुझे मारेंगे, बहुत मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जाऊँगा, बिना खाए पूरे दिन सिर्फ काम करवाएंगे। कुछ नहीं करवाएंगे, मुझ पर भरोसा रख बेटा। वो बदमाश बबलू अब कभी नहीं लौटेगा, है ना? हाँ, आज मैंने उसको डंडे से इतना पीटा कि वो अब वापस नहीं आएगा। हाँ? ना लौटे उसी में भलाई है। जा जा अब घर के अंदर जा। जाऊँ? हाँ, जाकर दरवाजा खटखटा। काका, ओ काका, दरवाजा खोलिए, काकी खोलिए ना। देख लिया, इतनी मार खाने के बाद भी वो बदमाश यहाँ लौट आया है। चलो दिखाते हैं। अबे नालायक, तू फिर से आ गया, इतनी मार खाने के बाद भी, हाँ? तुझे शर्म है कि नहीं? इसे अभी भगा दीजिए, गर्दन पकड़िए और यहाँ से बाहर निकालिए इसे, और अगर नहीं गया तो इसे फिर से जली हुई लकड़ी से मारिए, बहुत मारिए। हाँ, अब तो वही करना पड़ेगा। बचाओ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं लकड़ी उठा के इसको मारने जा रहा हूँ तो मुझे करंट क्यों लग रहा है? इसे पीटने का कोई फायदा नहीं। ठीक है ठीक है, चल ठीक है, आज के दिन के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, जा जा। कल से अगर तूने घर के सारे काम नहीं किए ना तो मारे बिना क्यों जाने दिया उसे? असल में उस जली हुई लकड़ी को छूते ही मेरे पूरे बदन में झटका सा लग गया, समझी? सुनो, कल कल मैं उसे बहुत कठिन काम दूंगा, बहुत ही कठिन, ऐसा कठिन काम जो वो कर ही नहीं पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, समझी? और इसी वजह से मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, भगा दूंगा, भगा दूंगा, भगा दूंगा, समझी? ए, सुन, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और ये ले कुदाल, एक बेला में ही सारे खेत कोड़ लेना, समझा? अगर नहीं कर पाया तो मार मार कर तेरी पीठ की चमड़ी खींच लूंगा मैं। जा, अब घर जा। क्यों रे, बिना खेत का काम किए क्यों चला आया? खेत जोतना हो गया। इतने कम समय में कह रहा है कि हो गया, तूने कह दिया और मैं मान लूं? तो अब सारे घर में झाड़ू पोछा करके सारे जूठे बर्तन धो डाल, मैं सोने जा रही हूँ। क्यों रे बदमाश, सारा काम किए बिना यहाँ बैठा है? सब हो गया है। ये तो बहुत ही अजीब है, इतनी ही देर में इतने सारा काम कर दिया।
सुनिए जी, ये बबलू की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं आजकल। नहीं नहीं नहीं, इतने सारे काम उसने इतनी जल्दी कैसे कर दिए? सुनो, उसकी व्यवस्था मैं कराया हूँ। कैसी व्यवस्था? उसे अनाथ आश्रम में भेज दूंगा, समझ रही हो ना तुम? ये तो आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा। घर से ये बला टले तो मैं भी गंगा नहाऊं। मैं बबलू को लेने के लिए आया हूँ, इधर आओ। आप आ गए? अच्छा रुकिए, बबलू, ए बबलू, ये यहाँ बदमाश, यहाँ जा, जा इसके साथ चला जा। कहाँ? अनाथ आश्रम में। नहीं नहीं, मैं अनाथ आश्रम नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा तू, चल। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये कौन है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बबलू के माँ बाप नहीं है इसलिए आज तुम्हें छोड़ देती हूँ, वरना आज तुम्हें मैं सबक सिखा कर ही जाती। अगर फिर कभी भी मैंने सुना कि तुम लोगों ने बबलू पर कोई अत्याचार किया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरी बात याद रखना। चलती हूँ मिथु। अब चली जाएंगी? आज जा रही हूँ, पर कभी कभी आकर मिलती रहूंगी तुमसे। उस चुड़ैल ने बबलू को प्यार से क्या कहकर पुकारा, सुना तुमने? मिथुन। भाभी, मतलब बबलू की माँ भी बबलू को बचपन में मिथुन कहकर बुलाती थी। तो अब हम क्या करें? हाँ, मैं ही हूँ, और याद रखना माँ हमेशा माँ ही रहती है, वो जिंदा हो या फिर मरी हुई हो, और अपनी औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकती है, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। अरे बाप रे।